राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय बाबा मोहन राम की। कैसे हैं आप सभी? आशा है सब कुशल मंगल होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज की वीडियो में हम बाबा मोहन राम की सवारी के बारे में बात करने वाले हैं कि आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है कि इस मंत्र से आएगी मोहन बाबा की सवारी। हम मोहन बाबा की सवारी किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ये आप में भी आ सकती है और किसी और में भी आ सकती है, जिससे आप अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। बस आपको ये मंत्र पूरी तरह से पूरी विधि के द्वारा बोलना है, पूरी विधि के द्वारा आपको पूर्ण करना है। ज़रूरी नहीं है आपके एक बार करने पर ही ये आ जाए, पर आ सकती है। और ऐसा कई बार होता है, ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ऐसा कई भक्तों से सुना है कि इस मंत्र के द्वारा ही एक बार में ही, कई बार अगर आपके मन में सच्ची भक्ति है, सच्चे मन से पूरी भावना से अगर आप बाबा मोहन राम की पूजा करते हैं और इस मंत्र से आप पूरी विधि करेंगे तो आपको सवारी ज़रूर आएगी। और हो सकता है कि एक बार दोहराने पर ही आ जाए। तो आपको ये विधि किस प्रकार से करनी है ये जानते हैं, और वो मंत्र कौन सा है जो इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली है जिसके द्वारा आप बाबा मोहन राम की सवारी प्राप्त कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। मगर उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर और सबसे पहले मिल सके। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरू करने से पहले मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, हो सकता है बोलने में कुछ गलती हो जाए, तो उस खेद के लिए मुझे क्षमा करना। तो चलो करते हैं अब वीडियो की शुरुआत। जैसा कि मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी आपको बताया है कि मोहन बाबा एक सात्विक देवता हैं, तो इनकी जो पूजा होगी, इनकी जो साधना होगी, पूजा की विधि होगी, वो भी सात्विक रहकर ही होगी। यानी कि इसमें बाबा मोहन राम की पूजा के कुछ नियम हैं जो हमें अपनाने होते हैं। हमारे मन में नकारात्मक शक्ति नहीं होनी चाहिए। पूजा में किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को धूम्रपान, नशेली मांस मच्छी वगैरह की ऐसी कोई आदत नहीं होनी चाहिए, इनमें इनका प्रयोग नहीं होता है। बाबा मोहन राम की पूजा में लहसुन प्याज का भी उपयोग नहीं होता है क्योंकि बाबा मोहन राम भी भगवान श्री कृष्ण का अवतार हैं और उन्हें भी लहसुन और प्याज का भोग नहीं लगाया जाता, तो बाबा मोहन राम को भी उनके ही तरह से भोग लगाया जाएगा और उन्हें भी लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाया जाएगा। मांस, मदिरा, मच्छी, शराब, जो भी बुरी आदतें होती हैं उनका उपयोग नहीं किया जाएगा बाबा मोहन राम की पूजा में, तो इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। तो अब हम जानते हैं कि बाबा की ये पूजा, ये साधना हमें कैसे करनी है और कहाँ करनी है। अगर आप ये पूजा अपने घर पे करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने घर में एक ऐसी जगह ढूंढ लेनी है जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, जहाँ पर किसी गलत इंसान का परछाया ना पड़ता हो, जहाँ पर सिर्फ केवल आप ही आए और आपके अलावा कोई और ना आए। इसके बाद आपको वहाँ की सफाई कर लेनी है। सफाई करने के बाद आपको वहाँ पे गंगा जल से भी छिड़क देना है क्योंकि पवित्र होनी चाहिए वो जगह। और वहाँ पर फिर आपको बाबा मोहन राम की एक चौकी लगानी है। चौकी पर हमेशा लाल कपड़ा बिछाया जाता है, वो लाल कपड़ा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, या तो आप नया मार्केट से ले आएँ और फिर उसे गंगा जल छिड़क कर धोकर फिर उस पर थोड़ी सी गंगा जल की छींटे मारकर आप उसे बिछा लें, या फिर अगर आपके पास कोई पुराना भी है तो भी उसे धोकर और गंगा जल छिड़क कर, वैसे आप नया लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, गंगा जल छिड़क कर उसे बिछा लेना। उसके बाद आपके पास मोहन बाबा की जो भी प्रतिमा है, मूर्ति है या तस्वीर है, उसको उस चौकी पर स्थापित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो भी बाबा मोहन राम के लिए प्रसाद में, भोग में फल फ्रूट होंगे वो आपको चढ़ा देने हैं। या इसके अलावा आप भोग में जो लगाना चाहते हैं, जैसे खीर, लड्डू, जो भी आप भोग लगाना चाहते हैं वो। इसके बाद आपको भोग लगाने के बाद, प्रसाद चढ़ाने के बाद, इसके बाद आपको सबसे मेन काम करना है जो होती है बाबा मोहन राम की जोत। बाबा मोहन राम की मूर्ति, तस्वीर, उनकी प्रतिमा से ज़्यादा उनके जोत के मायने होते हैं, तो उस जोत को आपको अखंड जोत रखना है। आपको वो जोत बलानी है बाबा मोहन राम का नाम लेकर। बाबा मोहन राम का नाम लेकर आपको जोत को प्रतिस्थापन कर देना है, यानी कि वहाँ पे प्रज्वलित कर देना है और प्रार्थना करनी है बाबा मोहन राम से। बाबा मोहन राम का नाम लेकर ही आपको उस जोत को प्रज्वलित करना है। इसके बाद आपको अपनी हथेली पर गंगा जल लेना है। गंगा जल लेकर आपको बाबा मोहन राम से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा मोहन राम, मैं आज से इतने दिन की आपकी साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ,
साधना आपको बता दूं कि 11 दिन, 41 दिन या 51 दिन की होती है, तो आप इनमें से भी कोई सी भी साधना कर सकते हैं। बाबा मोहन राम से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा मोहन राम, मैं 11 दिन की ये साधना कर रहा हूँ, कृपया करके मुझ पर अपनी कृपा करें और मुझे अपनी सवारी प्रदान करें। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करें। ये प्रार्थना करने के बाद आपको हथेली में बचा गंगा जल ज़मीन पर ऐसे ही छोड़ देना है और इसके बाद आपको इसी प्रक्रिया को कम से कम 3 बार दोहराना है। ये 3 बार हम इसलिए दोहराए जाते हैं क्योंकि बाबा मोहन राम से अपनी प्रार्थना पूर्ण करने की हम दुहाई मांगते हैं। दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दूं कि बाबा मोहन राम की ये साधना अगर आप किसी गुरु देव के द्वारा, अगर आपका कोई गुरु है तो उसके द्वारा अगर आप ये साधना कंप्लीट करेंगे यानी कि पूरी करेंगे तो आपको परेशानियां कम होगी, पूजा करने में आसानी होगी, मन्नत पूरी करने की पूरी गारंटी होगी माफ़ करना, तो इस साधना को पूरा करेंगे अगर गुरु के द्वारा तो आपकी साधना जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और आपकी जो मनोकामना होगी, जो सवारी होगी, वो आपको जल्दी प्राप्त होगी। इसके बाद आपको बाबा मोहन राम की पूजा करने के लिए एक समय निश्चित करना होगा। आपको किसी भी एक समय पर ये पूजा पूरी तरह पूर्ण करनी होगी और ये रोजाना उसी समय पर उसी वक्त पर करेंगे। नित्य पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि देवता को जागृत करने का समय होता है। अगर आप सुबह उठकर 5 बजे ये साधना करेंगे तो आपको फलस्वरूप इसका बहुत ही अच्छा फल देखने को मिलेगा। इस साधना के समय आपको मोहन बाबा के क्रम भी करने होते हैं, जिसमें कुछ क्रम इस प्रकार होते हैं कि गिलहरियों को चुग्गा डालना होता है और जलहरी भरनी होती है, पक्षियों को चुग्गा डालना होता है, गाय के लिए आटे की लोई डालनी होती है, चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर डालना होता है। ये कर्म आप अगर करेंगे, ये करने ही होते हैं, करेंगे नहीं करने ही होते हैं, अगर आपको ये साधना पूरी तरह से कंप्लीट करनी है, ये आराधना आप चाहते हैं कि बाबा मोहन राम स्वीकार करें, तो आपको ये करना है। और बाबा मोहन राम की पूजा अगर आप कर सकते हैं तो आप सुबह शाम करें, सुबह 5 बजे और शाम को 8 बजे करें, या फिर आप जिस भी समय सुबह और शाम फ्री होते हैं आप उस समय ये पूजा करें। बस रेगुलर करना एक ही समय पर। आपको खाली समय जिस वक्त आप फ्री हैं वो समय आपको इसीलिए चुनना होगा क्योंकि उस समय अगर आप मंत्र जाप करेंगे तो मंत्र जाप करने से आपको कोई बाधा रुकावट नहीं होगी। अगर आप फ्री रहते हैं उस समय, आपके पास खाली वक्त है, तो आपको मंत्र जाप करने में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि जब हम जाप करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारा जाप किसी और को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई और हमें मंत्र जाप करते हुए देख लेता है तो मंत्र जाप करने का जितना भी फल होता है उसका आधा तिहाई उसे मिल जाता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है, बाबा मोहन राम के जो माला का मंत्रों का जाप करना है, उस मंत्रों के जाप के लिए आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है, एक लाल आसन लेना है जिस पर बैठकर आप बाबा मोहन राम के मंत्रों का जाप करेंगे। मंत्र जाप आपको सुबह और शाम दोनों बार करना है। ये आपको निश्चय करना है कि आपको सुबह कितनी माला करनी है, शाम को कितनी माला करनी है, जितनी हो सके जितना आपके पास समय है आपको उतनी माला पूर्ण करनी है। मंत्र जाप किस प्रकार से किया जाता है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। और अच्छे से मंत्र जाप करने के बाद आपको मैं ये बता दूँ कि मंत्र जाप क्या बोलना है, तो आइए जानते हैं। इस साधना के लिए आपको मंत्र बाबा मोहन राम की जिससे सवारी प्राप्त होगी आपको, वो मंत्र है ओम श्री मोहन रमाय नमः, ओम श्री मोहन रमाय नमः। इस प्रकार से आपको ये माला करनी है। माला आपको 2 या 1 के हिसाब से करनी है, सुबह और शाम। तो साधना बस इतनी ही थी, बस आपको नियम याद रखने हैं कि पूजा में मांस मदिरा या किसी भी चीज़, लहसुन या प्याज का उपयोग नहीं होना चाहिए, आप भी नहीं करेंगे। 41 दिन, 11 दिन या 51 दिन की आप ये साधना कर सकते हैं। 41 दिन की करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा कई बार हमने देखा भी है कि उनकी पूर्ण हुई है और उन्होंने 41 दिन की साधना की थी। और इसके अलावा आपको पूजा का एक निश्चित समय रखना है और बाबा मोहन राम के नियम और कर्म याद रखने हैं, कर्म करने हैं। आप ये कर्म सुबह और शाम दो एक समय कर सकते हैं, किसी भी समय ये पूर्ण होता है। इससे जानवरों का आशीर्वाद भी मिलता है, चींटियों का आशीर्वाद, गाय का आशीर्वाद, न जाने कितने देवताओं का, और अपने कितने पाप आप नष्ट कर देते हैं इन सब कर्मों के द्वारा। और मोहन बाबा को आप प्रसन्न तो कर ही लेंगे अगर ये कर्म सच्चे मन और सच्चे दिल से आप करेंगे।
तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस साधना से आपको बाबा मोहन राम की सवारी ज़रूर प्राप्त होगी। और फिर मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछना। हम अपने हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि अपने भक्तों की सारी ज़रूरतें, उनके जो भी सवाल हैं उनके जवाब दे सकें। तो फिर मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।